नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री और मैं आपका बहुत स्वागत करती हूं। आज के वीडियो में आपको बता रही हूं कि भगवान के कौन से अंगों को स्पर्श नहीं करना चाहिए और कौन से अंग को स्पर्श करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, कई बार हमने ऐसा देखा है कि बहुत से लोग बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं। हालांकि मंदिरों में आपको मालूम है एक डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि मंदिर में जो पुजारी होते हैं उनके आगे कुछ इस तरह की बाउंड्री टाइप बनी हुई होती है, कुछ रेलिंग टाइप लगी हुई होती है, जिससे कि हर कोई अंदर नहीं जा सकता है। और मंदिर में मौजूद जो पुजारी होते हैं वो शुद्ध अपने धर्म का पालन करते हुए लोगों को प्रसादी भी देते हैं और पूजा भी करते हैं। लेकिन कई जगह ऐसा भी होता है कि लोग इस परंपरा को तोड़ रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो भगवान के साथ मनमाना व्यवहार कर रहे हैं। उनको शास्त्रीयता नहीं पता कि भगवान की कौन से अंग को छूना वर्जित है भक्तों के लिए और कौन से अंग को छूना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं यही बताने का प्रयास कर रही हूँ। मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं शिवलिंग की। बहुत से लोग शिव मंदिर में जब पूजा के लिए जाते हैं, स्पेशली कुछ महिलाएं भी ऐसा करती हैं, दबा दबा कर शिवलिंग को रगड़ रगड़ कर मसल मसल कर स्नान कराती हैं दूध से, जल से, जो कि बहुत ही गलत है। आपको एक परंपरा का निर्वाह करते हुए अगर आपको स्नान कराना ही है तो बहुत ज़्यादा भगवान को मसला नहीं जाता शिवलिंग को, ना कई जगह तो स्पर्श तक नहीं करने दिया जाता। खैर, स्पर्श अगर आपके यहाँ अलाउ है, आप करते हैं तो करिए स्पर्श, लेकिन भगवान को रगड़ रगड़ के धोना, मसल मसल के धोना बिल्कुल भी शास्त्रीय नहीं है। और ऐसा करने से पाप का भागीदार होता ही होती हैं लोग, ना कि उन्हें पुण्य मिलता है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जो भी स्नान की प्रक्रिया वगैरह होती है, विशिष्ट तरीके से सिर्फ जो पुजारी होते हैं, जो कि बाकायदा प्रशिक्षित होते हैं और उनको शास्त्रीयता पता होती है कि मूर्ति पूजा में किस तरह के भगवान का स्मरण, पूजन, प्रसादी, पोशाक पहनाना, ये सब किया जाता है, तो उन्हीं को ये चीज़ जिसको बोलते हैं अलाउ होती है। लेकिन लोग इस परंपरा को तोड़ते हैं और कुछ अपना ही तरीके से स्वयं पुजारी बनने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। देखिए, पुजारी का भी बाकायदा एक प्रशिक्षण होता है, उनको वो काफ़ी विद्वान लोग होते हैं, उनको नॉलेज होती है कि भगवान के कौन से अंग को स्पर्श करना है और कौन से अंग को स्पर्श नहीं करना है। तो काफ़ी गलत होता है, क्योंकि भगवान की मूर्ति, कई लोगों को लगता है मूर्ति तो कुछ बोलेगी नहीं, जहाँ चाहे वहाँ मर्जी हाथ लगा लो। कई लोग भगवान के वस्त्रों से छेड़छाड़ करते हैं, कई लोग भगवान के आभूषणों से छेड़छाड़ करते हैं, कई लोग भगवान एक्चुअली वो लोग भगवान को कुछ समझते ही नहीं हैं। अगर भगवान के प्रति उनके मन में रत्ती भर भी सम्मान होता तो वो जानते कि मूर्ति पूजा की भी क्या शास्त्रीय और कायदे और नियम होते हैं। भगवान की मूर्ति को अगर आपको छूना ही पड़े तो सिर्फ आप चरणों को छू सकते हैं भगवान के, इसके अतिरिक्त भगवान की मूर्ति के किसी भी जो बोलते हैं उनके शरीर के जो पार्ट हैं भगवान के, उनको छूने का किसी को भी कोई हक नहीं होता है। हक से मतलब यहाँ गलत सेंस में मत लेना, हक से मतलब है कि ये जिसको बोलते हैं कि शास्त्रीय नियमों के विरुद्ध है, शास्त्रीय नियमों के विरुद्ध है। भक्त का दायित्व सिर्फ इतना ही होता है कि वो भगवान के चरणों में जगह पाए और चरणों को स्पर्श करे। भगवान का जो चेहरा, भगवान की मूर्ति, भगवान का जो तेज है, उसको निहारे अपनी नेत्रों के द्वारा, यहीं से एक भक्त होने की पराकाष्ठा पूर्ण होती है। तो कभी भी भगवान की मूर्ति को देखकर भगवान के विभिन्न अंगों प्रत्यंगों को छूने का प्रयास नहीं करना चाहिए। भक्तों का जो दायरा है सिर्फ भगवान के चरणों तक सीमित है और उसकी मर्यादा को बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि भगवान के अंगों को छूने से, भगवान के आभूषणों और वस्त्रों को छूने से कई बार भयंकर पाप भी ऐसे मनुष्यों को लग जाते हैं।